पर दोस्तों हमने लगा दिया है और हेड को फिट करके इसके ऊपर लगा देंगे कैम, टाइमिंग वगैरह सब एडजस्ट करके कैम ना। हाँ लिया कैम लिया उठा के, अरे इसमें गोल चक्कर वाली लाइट आ गई। इसमें कैम हमने फिट कर दी है, कुछ भी वगैरह दिखाई हम क्या कर रहा है अभी लगाएंगे पैकअप कवर। कैम की पोजीशन हमने सेट कर दी है, इसके ऊपर लगा देंगे टैपर को, टैपर को के बाद टाइमिंग करेंगे इसकी। फिटिंग कर दी है, रेल वगैरह लगा दी है, इंजन साफ करके लेके आ रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इंजन की फिटिंग हो चुकी है, अब हम चढ़ा रहे हैं इसको गाड़ी के अंदर। दोस्तों जो इसमें गाड़ी में स्टार्ट हो गए बंद हो रही थी, अब हमने पीछे मुझे किट चेंज करी है। किट चेंज करने के बाद एक बार मान के चल बंद करके गाड़ी, अब इसकी आवाज़ देखते हैं कितनी प्यारी आवाज़ है। आप चल स्टार्ट है गाड़ी बंद कर दी है, मारियो सेल्फ ये देखिए।
इनिशियल इसका क्या था, एक करंट दे के और तुम छोड़ दे रहा था, जिससे मशीन की दिक्कत थी। दो बार इंजेक्टर चेक कराए, कभी वही इंजेक्टरों में दिक्कत हुई, वो भी ठीक थे। तो प्रॉब्लम इसमें भी थी। इंजन के बाद ये था पता भाई, तो पिक चेंज करने के बाद गाड़ी फिलहाल बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हमारी वेंटो गाड़ी फाइनल हो चुकी है। मैं एक बार इंजन की आवाज़ दिखा देता हूँ। इसको बिल्कुल एकदम बढ़िया से शांत खड़ी है और हमने इसको 20-30 किलोमीटर चला भी लिया है। अभी मैं इसको बार 70-80 किलोमीटर एक बार वो ट्राई लेके आऊँगा और बस वगैरह जिसका दिखा देते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा धुआं दिखा रहे। अरे अरे सुबंध, एक बार लाइट जलाइयो, पीछे से धुआं बिल्कुल गायब है, कोई मिसिंग नहीं है किसी टाइप की। एक्सीलेटर दियो भाई। अरे फोन की लाइट जला देना। मैं फोन की लाइट जलाई है मुझे। एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर। ये देखिए एक्सीलेटर पेडल दे दिया, उसके बाद भी धुआं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे और चलेगी गाड़ी तो ये भी जो साइलेंसर और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों चारों तरफ से एक बार देखा है, तो गाड़ी जाने के लिए रेडी है। जो अंदर की सफाई वगैरह थोड़ी बहुत वो भी करती है। तो दोस्तों जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।